की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज भी हड़ताल पर तमाम रोडवेज कर्मचारी होंगे। रात 12 बजे तक चक्का जाम का एक बार फिर से ऐलान। प्रशासन और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बनी है, इसी के चलते आपको बता दें हड़ताल को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। डीजी के साथ जो बैठक रही थी वह बेनतीजा रही है। इधर सांझक बैठक के मोर्चा के तले आपको बता दें कि यहां पर जो है आंदोलन को और उग्र किया जा रहा है। सांझा मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम का जो समय है उसे और बढ़ा दिया गया है। रात 12 बजे तक का ये समय निर्धारित किया गया है। तो आज पर भी तमाम जो कर्मचारी हैं रोडवेज के वो हड़ताल पर होंगे। रात 12 बजे चक्का जाम का ऐलान किया गया है। तो रात 12 बजे तक चक्का जाम रहेगा। प्रशासन और सरकार के बीच कोई सहमति नहीं बनी। डीजी और मंत्रियों के साथ तमाम जो बैठक रही थी वो कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है। आपको बता दें किस तरीके से रोडरेज की पूरी घटना हुई थी, उसके बाद ड्राइवर को यहां पर उसकी हत्या कर दी गई थी, कंडक्टर को भी चोट आई थी। और इसके बाद आपको बता दें और भी दुखद तब हुआ जब ड्राइवर के बेटे ने अपने ही पिता के तुरंत बाद ही आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद इस पूरे मामले ने तूल पकड़ा और अब कहीं ना कहीं तमाम जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। इसके अलावा 50 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही जा रही है जो परिवार को दिया जाना चाहिए। 10 लाख रुपए कंडक्टर जो कि इस वक्त जख्मी है से रोडवेज ड्राइवर हत्याकांड से जुड़े हुए मामले की जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। जरा ग्राफिक के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार इनकी मांगे हैं क्या। तो जगबीर के परिवार को 50 लाख के मुआवजे की मांग की जा रही है। आपको बता दें इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात कही जा रही है। घायल कंडक्टर को 10 लाख का मुआवजे की बात कही जा रही है। जगबीर के परिवार को 50 लाख के मुआवजे का जिक्र किया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की बात पर अड़े हुए हैं। घायल कंडक्टर को 10 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। इन तमाम मांगों को लेकर फिलहाल अभी कोई सहमति बनी नहीं है।